नगर न्यूज 24 प्रतिबिंब जनमानसांचे। नगरमधील सांदीपनी अकॅडमीच्या विद्यार्थ्यांची जेईई ॲडव्हान्स परीक्षेत उत्तुंग भरारी। जेईई ॲडव्हान्स 2023 परीक्षेत श्री सांदीपनी अकॅडमीचा डंका। 4 जून 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या जेईई ॲडव्हान्स या परीक्षेचा निकाल आज 18 जून 2023 रोजी लागला असून या परीक्षेत श्री सांदीपनी अकॅडमीच्या विद्यार्थ्यांनी नेहमीप्रमाणेच यशाचा डंका वाजवलाय। आधी जेईई मीन्स नंतर MHT, CET व आता जेईई ॲडव्हान्स परीक्षेत यश संपादन करून श्री सांदीपनी अकॅडमीच्या विद्यार्थ्यांनी यशाची हॅट्रिक साधली। या परीक्षेत अर्पिता दायमा, अमय गायसमुद्रे, सार्थक साबळे, निधी लोढा, सुमित सांगळे, तेजस जाधव आदी विद्यार्थ्यांनी उत्तुंग भरारी घेतली। त्यांचा सत्कार संस्थेचे संस्थापक आणि संचालक श्री के बालराजू सर यांनी केला। याप्रसंगी सर्व यशस्वी विद्यार्थी, त्यांचे पालक आणि श्री राहुल सर यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले। या विद्यार्थ्यांवर सर्वत्र कौतुकांचा वर्षाव होत असून या सर्व विद्यार्थ्यांना श्री बालराजू सर, श्री राहुल गुजराल सर आणि श्री नानासाहेब बाराते सर यांचे विशेष मार्गदर्शन लाभले। प्रतिनिधी अजहर सय्यद, नगर न्यूज 24, अहमदनगर। जेई के लिए मैंने यहाँ क्लासेस लगाई थी और जेई मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 99% मिले और जेई एडवांस में मिली ऑल इंडिया रैंक 3699। फॉर दिस अचीवमेंट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टीचिंग मेंबर्स ऑफ श्री सांदीपनी अकेडमी फॉर गाइडिंग मी एंड मोटिवेटिंग मी थ्रू आउट माई जर्नी। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू मैंशन अबाउट द वैल्यू एजुकेशन सेशंस विच आर टेकन हियर विच ऑल्सो हेल्प इन गेनिंग मोरल वैल्यूज which are very important part of our lives. And last but not the least, I would like to thank the mentor Balraju sir for guiding me throughout this journey, also Rahul sir and Manish sir and all those teachers who are part of this journey. Thank you very much. Myself Sumit Sangre and I was studying in Sri Sandipani in 2A classroom program, and I am very glad to tell you that the teacher and faculty all over here are very good. And they just not provide us with the academics but also provide you with the value education which helped throughout your life. And basically they just mold you in the various shapes through which you can live your life very well. माझी मुलगी अर्पिता ही सांदीपनीमधून तिने जी ॲडव्हान्समध्ये उत्तीर्ण होऊन ती IIT सिलेक्ट झालेली आहे। मी सांदीपनी अकॅडमीचा खूप आभारी आहे की त्यांनी माझ्या मुलीला खूप चांगलं गायडन्स केलं। आणि मी सर्वांना हे सांगू इच्छितो की नगरमध्ये तरी कमीत कमी सांदीपनीसारखी दुसरी इन्स्टिट्यूट नाही आहे जी अकॅडेमिक कॅरियरसाठी आणि मुलांना म्हणजे स्टुडंटना ते जीवन कसं जगायचं ह्याच्या पण ते त्याच्याबरोबर एज्युकेशन देतात, त्यांना ते स्ट्रॉंग बनवतात आणि ते पुढे सक्सेस कसं होईल लाईफमध्ये ते पण शिकवतात। ते खूप चांगलं आहे त्यांनी, त्यामुळे खूप मी त्यांचा धन्यवाद करतो सांदीपनी अकॅडमीचा आणि त्यांचा खूप खूप आभारी आहे। मेरा नाम सार्थक साबळे, मैं 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में था श्री सांदीपनी अकेडमी में। तो मुझे यहाँ पर सभी टीचर्स बहुत अच्छे लगे, स्पेशली राहुल सर, मनीष सर, बाबर सर एंड एवरीवन हु इज टीचिंग हियर। तो यहाँ पर वैल्यू एजुकेशन सिस्टम और मेंटरिंग सिस्टम सबसे बेस्ट है। तो मैं सभी फ्यूचर एस्पिरेंट को सजेस्ट करूँगा कि श्री सांदीपनी अकेडमी ज्वाइन। मेरा नाम अमय गायसमुद्र है और मैं 2 साल सांदीपनी अकेडमी से पढ़ रहा हूँ। मैंने पहले लेट ज्वाइन किया था सांदीपनी अकेडमी, वो लॉकडाउन की वजह से मैंने 15 अगस्त से ज्वाइन किया था, मैं स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया था। पर फिर भी उन्होंने इवनिंग में एक्स्ट्रा बैचेस लिए, मनीष सर, राहुल सर और बालराजू सर ने, उससे मेरा सिलेबस अच्छे से कवर हुआ और मैं 2 साल का सिलेबस कम्प्लीट कर पाया टाइम में। और वीकली मॉक टेस्ट की वजह से मेरी प्रिपरेशन में और ज़्यादा बूस्ट मिला। This is Rahul from Sri Sandipani Academy, Director Operations and Accounts. So basically, आज बहुत खुशी की बात है श्री सांदीपनी अकेडमी के लिए और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के लिए कि 6 बच्चे हमारे IIT जाने के लिए तैयार हैं, IIT में पढ़ाई करेंगे जो कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट भारत का माना जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो IIT मद्रास जाएंगे जो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट है भारत का। तो बहुत खुशी की बात है जो कि आप अहमदनगर में पूरा देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, इतने स्टूडेंट्स कहीं के भी IIT में जाते नहीं हैं जितने श्री सांदीपनी अकेडमी से जा रहे हैं। और लास्ट ईयर भी गए थे और लास्ट ईयर से ज़्यादा बच्चे इस बार जा रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए।
नॉट ओनली इन आई आई टीज और रिसेंटली सी ई टी का भी रिजल्ट आया था, उसका भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया है जिसमें कि लगभग 6 स्टूडेंट्स 99% स्कोर किए थे। तो श्री सांदीपानी एकेडमी में केवल पढ़ाई ही नहीं, साथों साथ वैल्यू एजुकेशन का भी बहुत ध्यान दिया जाता है ताकि जब बच्चा यहाँ से निकले एक बहुत अच्छा कैरेक्टर हो उसका, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बेसिस में हम यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन देते हैं बच्चों को, साथों साथ वैल्यू एजुकेशन साथ साथ तो पढ़ाई तो होती है लेकिन वैल्यू एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में। जब वैल्यू है और कैरेक्टर है तो बच्चा कुछ भी कर सकता है, तो इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है सिखाने वाली कड़ी में। तो बहुत मोस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूट है भारत का, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो अभी लगभग 45 स्टूडेंट्स थे हमारे जेई के, और 45 स्टूडेंट्स में से 6 स्टूडेंट्स आर गोइंग टू आईआईटीज एंड मेनी आर देयर हु आर गोइंग टू एनआईटीज एंड मेनी मोर प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। बट देखा जाए तो 6 जन आईआईटी जाना उतना आसान बात नहीं है, मतलब अराउंड 45 स्टूडेंट में से 5 से 6 स्टूडेंट्स यहाँ पे आईआईटी में जा रहे हैं, तो इट्स नॉट ए जोक जो कि सांदीपानी निकाल के दे रहा है। तो अहमदनगर से 6 बच्चे आईआईटी में जाना मतलब उतना आसान वाली बात नहीं है, जो कि बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इंडिया का माना जाता है। तो आगे जो भी बच्चे आ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे ज्वाइन करिए, अहमदनगर में जितने बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे ज्वाइन करिए। केवल यहाँ पे आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा, साथों साथ आपका जो वैल्यूज़ है और आपका कैरेक्टर है वो बन जाएगा स्टूडेंट का, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत जगह होता है, आप कहीं पर भी जाएंगे तो पढ़ाई होती है लेकिन और जो कैरेक्टर जो स्टूडेंट्स का यहाँ से निकलता है वो और कहीं पर नहीं मिलेगा। नवीन बातम्या आणि ताजा घडामोडींसाठी आजच आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा।